CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहने तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा। जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण। ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर। नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियाँ जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं। इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं। समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई। बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया। एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया। कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो दो दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था? हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है। बिल्कुल होता है। उचित दूरी पर आस पास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ। उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था, मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं। श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है। आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है, वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे। तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं। अच्छा। ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं। अच्छा। इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। अच्छा। और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने। इतना ही नहीं,
यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे जी। तुलसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है। 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।